आप थोड़ा सा हाँ खामोशी करेंगे तभी फिर बात हो पाएगी। तो ये कॉन्फ्रेंस जो है वो एक छोटी सी ब्रीफिंग होगी। मैंने कहा कि ये वही मैं कह रहा हूँ, दैट्स व्हाट आई एम, आपने जो कह रहे हैं, तो मैं ये क्लैरिफिकेशन पहले ये कह रहा हूँ कि दिलबाग साहब हमारे जो डीजीपी साहब है उनकी वो इस प्रेस स्वेन आरआर स्वेन आउट एक केस जो 1990 में 21 मई को हमारे जो मीरवाइज थे फारूक साहब उनकी निधन हुआ टेररिस्ट के हाथ, हिजबुल मुजाहिदीन टेररिस्ट के हाथ हुआ था। और वो केस जो है पुलिस स्टेशन नगीन में इसकी केस रजिस्ट्रेशन हुई थी। बाद में वो केस पुलिस स्टेशन नगीन से सीबीआई को ट्रांसफर कर दी गई। सीबीआई की केस नंबर वगैरह हमने आपको ईमेल के जरिए बता देंगे, तो वो एक लंबा सा नंबर होता है। और वो केस इन्वेस्टिगेट करने के बाद सीबीआई ने स्पेशल डेजिग्नेटेड टाडा कोर्ट जो दिल्ली में है वहां पे उन्होंने एक कातिल को, एक अक्यूज्ड को सजा दिलवाया। उसमें कन्विक्शन हुई, कोर्ट ने उसको लाइफ सेंटेंस कर दिया, उसको उम्र कैद उसके खिलाफ जो है घोषित कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पाया गया कि इसमें 5 अक्यूज्ड थे। तो 5 अक्यूज जो थे उसके गिरोह का जो कमांडर था वो था अब्दुल्ला बंगरू। पर जब केस ट्रायल हुआ इन्वेस्टिगेशन के बाद सिर्फ एक बंदे को पकड़ा गया था, वो था अयूब डार। तो अयूब डार के खिलाफ लंबा केस चला और केस जो है एफआईआर नंबर 61/1990 ओरिजिनल पुलिस स्टेशन नगीन का, वो केस जाके 2009 में खत्म हुआ। यानी कि कम से कम 10 साल उसको लग गए, 9 साल लग गए उसको। टाडा कोर्ट में जब कन्विक्शन हुई अयूब डार को लाइफ सेंटेंस हो गया। और बाकी 4 जो थे वो जब ट्रायल में गए तो वो 4 लोग भगोड़े थे, देवर ऑल अब्सकंडी। उसमें जो मेन गिरोह का जो लीडर था अब्दुल्ला बंगरू वो ट्रायल के दौरान एनकाउंटर में मारा गया। यानी कि एक्चुअली 4 लोग जो है इंग्लिश में जैसे कहते हैं कि देवर ऑन द रन। सो अब्दुल्ला बंगरू हु वॉज फाउंड टू बी द लीडर ऑफ द टीम ही वॉज किल्ड इन एन एनकाउंटर। सब्सिक्वेंटली रहमान शिगन करके एक और अक्यूज था वो भी मारा गया एनकाउंटर में। उसके बाद 2 बंदे जो है वो भागने में कामयाब रहे, उनका नाम है जावेद भट्ट और अयूब भट्ट। जावेद भट्ट जो है अजमल खान है उनका कोड नेम, लेट हबीबुल्ला भट्ट रेजिडेंट ऑफ सोलिना वाला। दूसरा जो है वो जोहर अहमद भट्ट कोड बिलाल और ये लेट मोहम्मद रमजान भट्ट के बेटे हैं, ये भी बटमलू के रहने वाले। पहले वाले जो है वो नटीपुरा श्रीनगर के हैं। अब जैसे टिपिकली कहते हैं कि लॉन्ग आर्म्स ऑफ द लॉ, 30-32 साल के बाद उनका वो बीच में पाकिस्तान भाग गए, फिर नेपाल भाग गए, नेपाल में पोखरा में काफी दिन छिपके रहे इधर उधर, तो आज उनको पकड़ा गया है और सीबीआई टीम जो है उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स की नोटिस लेके दिल्ली से आई है और उनको हिरासत में ले लिया है। अब वो दे विल फेस द ट्रायल। 5 में से 2 ऑलरेडी गुजर चुके हैं, 1 जेल में है, लाइफ सेंटेंस काट रहा है, जिसकी लाइफ सेंटेंस को उसने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अपहोल्ड करा है। तो अयूब डार जो है वो ही विल रिमेन फॉर हिज दिस रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन द जेल। अभी बाकी जो ये दोनों पकड़े गए हैं जो भगोड़े थे, जो अब्सकंडर थे, अब वो ट्रायल फेस करेंगे। इसके साथ मीरवाइज साहब की कत्ल का जो है सभी अक्यूज्ड जो है वो दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस एज दे से इन इंग्लिश। इतना ही कहना था आज की प्रेस मीटिंग में, थैंक यू। मैं आप सब लोगों को पीसीआर की ईमेल की एड्रेस लिस्ट में आप होंगे जरूर, तो पर फिर भी मैं पढ़ लेता हूं। जावेद अहमद भट्ट
कोड अजमल खान, सन ऑफ लेट हबीबुल्ला भट्ट, रेजिडेंट ऑफ सोलिना बाला, एट प्रेजेंट आजाद बस्ती नटीपुरा श्रीनगर। दूसरे का नाम है जहूर अहमद भट्ट। एक्चुअली जो ट्रिगर चलाने वाला है वो जहूर है, जो बेडरूम में गया था। कोड बिलाल, सन ऑफ लेट मोहम्मद रमजान भट्ट, रेजिडेंट ऑफ डंडर शाह, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम करेक्टली, बटमालू श्रीनगर। तो ये एसआईए की इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये इंटेलिजेंस जनरेट हुआ था, तो इस इंटेलिजेंस को आगे डेवलप करके हमने अभी सीबीआई की मदद कर दी, उनकी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स को पकड़ के उनके हवाले कर दिए, ताकि वो जस्टिस के सामने आए, जस्टिस फेस करे, और बाकी की जो ट्रायल है वो जो ट्रायल से भाग गए थे अब वो ट्रायल को सामना करे। हमने कहा कि एसआईए की इंटेलिजेंस के जरिए, हमने ऑपरेशन के जरिए हमने पकड़ा, और पकड़ के अभी सीबीआई को इन्फॉर्म किया, सीबीआई की टीम आ चुकी है, अब उनको हमने हैंडओवर कर चुके हैं, अब वो ले जाएंगे, उनकी बाकी की कार्रवाई वो आगे करेंगे। नहीं, ये सारी डिटेल्स जो है वो इन्वेस्टिगेशन वो आगे करेंगे, अभी वो हम आपको प्रेस ब्रीफिंग में इतना ही कर पाएंगे, बाकी जो है वो करेंगे। थैंक यू।